प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर मुंबई के बोरीवली में महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। मुंबई के बोरीवली पूर्व देवीपाड़ा क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीकेसी में होने वाली रैली को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करने हेतु 19 जनवरी को मुंबई आ रहे हैं। बीकेसी में होने वाली उनकी जनसभा में यह महिलाएं जाने वाली हैं। मुंबई भाजपा महिला मोर्चा की सचिव भावना ताई शाह के कार्यालय पर यह देखिए भारी संख्या में महिलाएँ खड़ी हैं। यहाँ पे महिलाओं का कहना है कि वह भावना शाह के मार्गदर्शन में बीकेसी में होने वाली प्रधानमंत्री की जनसभा में जाएंगी और उनका ओजस्वी विचार सुनेगी, जिसको लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। आइए सुनते हैं हम प्रधानमंत्री की जनसभा में जाने हेतु उत्सुक महिलाओं का और क्या कुछ कहना है। प्रवीण दरेकर साहब के नेतृत्व में ये सारी महिलाएं जा रहे हैं मोदी साहब की सभा में उनको सुनने के लिए। मोदी साहब पे ये देशवासियों का प्रेम है और उनके आने से पूरे महाराष्ट्र में जो वो हॉस्पिटल दे रहे हैं, ट्रेन की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, जो तोहफा दे रहे हैं महाराष्ट्र को, उनके उनका जो काम है हमारा भारत का विश्व में नाम रोशन किया और उन्होंने जो महिलाओं को मदद की है उनके बारे में सोचा है, इसलिए हम लोग मोदी साहब के आज मैं हर बहन उनकी ऋणी है। इसके लिए हम लोग इतना उत्साहित है कि पूछने की बात नहीं। वो हमारे गुजरात के है, गुजराती है और हिंदुओं के लिए सब कुछ कर रहे हैं और जो लास्ट 5 साल में किसी ने और आगे नहीं किया है वैसा उस सब काम किया है और देश परदेश में भी उनका डंका बज रहा है। साथ ही है कुछ भी हो गए और हम लोग इतने उनके काम से सभी खुश है, हम तो है ही है लेकिन और सभी खुश है। उसमें जो भावना भी उनके साथ में है तो हमको बहुत खुशी है। हाँ, हमारे जवान मोदी साहब बहुत सारू काम करू छे 5 वर्ष से। मोदी साहब हमारा गुजरात ना छे ने हमारे गरीबों हाटू बहु मदद करी छे, हमारी महिलाओं हाटू पण बहु मदद करी छे। मोदी साहब अमे बद्दी भाईओ काले जवानी छे। એમને બહુ સારું કામ કર્યું છે 10 વર્ષની એમની કાર્યકારીમાં એણે બહુ સરસ કામ કર્યું છે અને અહીંયા ઇન્ડિયામાં તો શું પાકિસ્તાનમાં પણ એનો ડંકો વાગે છે, એટલે પાકિસ્તાન જેવા પાકિસ્તાન આપણે શત્રુ હોવા છતાં પણ એ પાકિસ્તાનમાં પણ ફેવરેટ છે। મોદીજી આ રહે હેં, હમ લોગ ભાવના બહેન કે સાથ જા રહે હેં। भावना बहन इतना अच्छा काम कर रही है देवीपाड़ा में कि महिलाएं ज्यादातर उनके साथ हैं। हम लोग जा रहे हैं भावना बहन के साथ। हम लोग इंडिया में मोदी साहब बहुत काम किया है, अच्छा अच्छा काम किया, धनजन खाता में हमारा पैसा डाला, लेडीज लोग को बहुत मदद करता है। हाँ, मोदी साहब अमे लोग भावना बहन बदा साथे छे शू अने महिला मंडल बदा अमे તમાર માટે અમે એટલું પ્રણામ કરીએ છીએ। કાલે કાલે મહારાષ્ટ્ર બધું સાથે છે, તમારા સાથે બધી મહિલાઓ ભાવનાબેન સાથે અમે રેલી કાઢીશું બધી। અમે બધા લોકો ગુજરાતી જેટલું બી મંડળ છે, જેટલા બી અહીંયા કાર્યકર્તા અને બધા માણસો છીએ, અમે બધા ભાવનાબેનની સાથે છીએ। પૂરો દેશ અને પૂરો એરિયાને બધા લોકો ભાવનાબેનની સાથે સહકાર દેવા માટે હર વખતે 24 કલાક તૈયાર છીએ અમે। મોદીભાઈ અમારા ભાઈ છે, અમે મોદીભાઈની સાથે છીએ, અમે અમારા ગુજરાતનો અમને ગર્વ છે। મોદીભાઈ અમારી બધી મદદ કરે છે, અમારી સાથે મદદ કરે છે, અમે જે કામદારી એ મોદીભાઈ કરી આપે છે। અમે ભાવનાબેનની સાથે રેલી કાઢશું અને ભાવનાબેનની સાથે રહેશું। જય મહારાષ્ટ્ર। ભારતાચે પંતપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ મુંબઈમાંથી ઉદ્યા યેનાર આહેત। અમી ભરપૂર સંખ્યાની ઉદ્યા બીકેસીલા જાણાર આહે। સાહેબાંચં હાર્દિક સ્વાગત। ઉદ્યા મોદી સાહેબ मुंबईमध्ये बीकेसीला येणार आहेत, तरी आम्ही सर्व जास्त संख्येने मोदी साहेबांचे जे भाषण आहे ते ऐकायसाठी आम्ही सर्वजण जाणार आहोत।